क्षमा मांगे या ना मांगे, मैं तो आखिरी समय तक दुनिया में बैठे हुए हर भारतीय के आगे थे क्षमा मांगता रहूंगा। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात खराब ही रहें, उनकी दुकानदारियां चलती रहें। ये आज से कम 7 साल पहले मोदी जी के आने के बाद वंदे मातरम भी गुलाम थे। वो आजादी का तिरंगा झंडा जिसकी सबसे पहले लाल किला में नींव रखी गई और पहले प्रधानमंत्री ने तिरंगा झंडा लहराया, उसका जब अपमान होते हुए देखता हूँ तो मैं मेरे आंसू रुक नहीं पाते कि ये जो पगड़ी पे दाग हमारी ही कौम के, जिस कौम में हम हैं, जो मजलूमों की रक्षा के लिए कौम बनी थी, ये पगड़ी गुरु हमारे गुरु साहबानों ने कुर्बानी शहादत दे के सजाई थी, हमारी कौम पे, हमारी पगड़ी पे दाग लग गया। और जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है वो बुद्धिजीवी हो ही नहीं सकता, वो उल्लू का पट्ठा है, मैं तो यही कहूंगा उसके मुंह पे कहता हूँ। पंजाब के अंदर इन खालिस्तानियों ने जिन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम, 36,000 बेगुनाह लोग उसमें से मारे गए। देश तोड़ने वाला छोटा हो जा बड़ा हो, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रधानमंत्री अच्छा कर्म करता है, आने वाली जनरेशन के लिए एक नया भारत देता है, तो हमें कौन सी तकलीफ है अच्छा कहने में, हमें कहना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अरनेन्द्र कुमार और आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। आज हमारे साथ देश की एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें जिंदा शहीद कहा जाता है। जी हाँ, आप इस चीज़ से समझ चुके होंगे कि आज हमारे साथ देश की एक महान हस्तियों में और एक बहुत बड़े वीर, जिन्हें हम कहेंगे परम वीर में जिनकी गिनती होती है, आज हमारे साथ मनिंदर जीत सिंह बिट्टा जी हैं। वंदे मातरम। और बिट्टा जी, आपका शिवालिक जर्नल में बहुत स्वागत। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बिट्टा जी, हमने आपके बारे में जितने भी किस्से सुने बहादुरियों के, कि आपके पास, आपके ऊपर इतने सारे हमले हुए और आप हर हमले को मुंहतोड़ जवाब देते हुए बढ़ते रहे हमेशा, और हर उस एंटी नेशनल और आतंकवादियों को जवाब देते रहे, पहले हम इसी से शुरुआत करेंगे। देखो, अगर आपके मन में मातृभूमि, वंदे मातरम और इस भारत को आज़ादी कैसे मिली, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने जलियांवाला बाग के अंदर शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां किस तरीके से फांसी के रस्से को चूमा और इस को देश को आज़ाद कराया, जब आपके मन के अंदर आपके माता पिता, आपका परिवार, आपके रिलेटिव, आपके टीचर बचपन से आपको समझाते हैं कि प्रथम राष्ट्र है। और मैं ये कहता हूँ बार बार, बम्बों से जब मेरा खून निकलता था, अंदर से आवाज़ निकलती थी, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, तो फिर लड़ाई झगड़ा है ही कोई नहीं। जब एक जज्बा अंदर आ जाए तो फिर बम गोलियाँ भी, मैंने मौत को कई बार दूर जाते हुए देखा है। वंदे मातरम और भारत माता में इतनी बड़ी शक्ति और ताकत है। लेकिन बिट्टा जी, आजकल हम देख रहे हैं कि देश में वंदे मातरम बोलने पे भी बहुत विवाद होते हैं। नहीं, आज तो नहीं होते, ये आज से कम 7 साल पहले मोदी जी के आने के बाद वंदे मातरम भी गुलाम था, भारत माता की जय बोलना भी एक बड़ा अजीब समझा जाता था। कई पॉलिटिकल पार्टियां थी जिनमें मैं भी बड़ा, आज तक भी उनके दूर नहीं हूं मैं, तो ये नरेंद्र मोदी, हम तो उस वक्त भी बोलते थे, जब उस वक्त वंदे मातरम बोलते थे तो लोग कहते थे पता नहीं आरएसएस से जुड़ा हुआ है, या भारत माता की जय बोलते थे बीजेपी से जुड़ा हुआ है। पर एक्चुअली देखा जाए तो ये मैंने बचपन के अंदर, मैं तो 7 साल की उम्र में कांग्रेस सेवा दल का मेंबर बना, हमें बचपन में कांग्रेस के अंदर सिखाया गया वंदे मातरम, भारत माता की जय, हमें सुबह 7-8 बजे 6 बजे उठ के ट्रेनिंग दी जाती थी। अब कईयों ने उस रास्ते को छोड़ दिया, कईयों ने कुर्सी सतह से दोस्ती कर ली, हमने मौत से दोस्ती कर ली, कोई लाल रंग की पेन से कांग्रेस के मेंबर बन गए, हमने खून बहा के कांग्रेस से मेंबरशिप ले ली। ये थोड़ा अंतर है, हमने अपनी विचारधारा को छोड़ा नहीं, उन्होंने, कईयों ने, अपने दोस्तों ने विचारधारा को छोड़ दिया। बेटा जी, आजकल जो देश में मामला चल रहा है, आपको भी पता होगा, 26 जनवरी 2021 को जो हमने जो भयावह दृश्य देखा लाल किले पर, हमने अपमान देखा अपने तिरंगे का, जिस तिरंगे को हमने हमेशा सम्मान से लहराते हुए देखा था लाल किले पे पिछले 70 सालों से, उसका अपमान देखा, उसको जो भी, जिसने भी वो दृश्य देखा उसका मन जो था वो कहीं ना कहीं विचलित हुआ उसको देख करके। और फिर किसान नेताओं का इन सब से अपना मुंह फेर लेना और एक तरफ कहना कि इसमें भाजपा की साजिश थी, इसमें हम नहीं थे, और कहीं ना कहीं उसके बाद में टूल किट आना और उसकी साजिश का पर्दाफाश होना, इन सब पर आपने जब वो दृश्य देखे तो आपको कैसा लगा?
बिट्टा अगर तिरंगा झंडा लहराएगा तो इसको बम्बों से उड़ा देंगे। तो उस वक्त मैंने उस आतंकवादियों के चैलेंज को कबूल किया था। मैंने कहा बम भी खाएंगे, गोलियां भी खाएंगे, तिरंगे झंडे को पहले की तरह यहीं लहराएंगे। और जिस दिन 15 अगस्त आती है, सुबह 5 बजे बम फेंका जाता है, फिर हम 12 बजे तिरंगे झंडे को लहराते हैं, फिर आतंकवादी कहते हैं अब तिरंगे झंडे को उतार के आग लगा देंगे, फिर तिरंगे झंडे के नीचे उतर करके अपने नौजवान दोस्तों के साथ पहरा देते हुए वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते हुए जब 5 बजने लगते हैं, सूर्य डूबने लगता है, तिरंगे झंडे को सीने पे लगा के कहते हैं वंदे मातरम भारत माता की जय, बोले सो निहाल सत श्री अकाल कह के निकल जाते हैं। आतंकवादियों का जवाब तिरंगे झंडा लहराते हुए वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते हैं। और अब जब अपनी आंखों के सामने दिल्ली में बैठा हुआ लाल किला के अंदर वो तिरंगा झंडा जो मातृभूमि के उस खून से लथपथ धरती के ऊपर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना हुआ तिरंगा झंडा लहराया जाता है, जिसको पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी लहराते हैं और लाल बहादुर शास्त्री, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल उस आज़ादी के तिरंगे झंडे को देख के खुश होते हैं। और उस तिरंगे झंडे का जब मैं अपमान देखता हूँ तो मैं रोता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रोता हूँ कि उस वक्त बम्बों गोलियों से उस तिरंगे झंडे को मैंने लहरा दिया, मौत को बार बार गले लगाया, पर आज अपनी आंखों के सामने वो आज़ादी का तिरंगा झंडा जिसकी सबसे पहले लाल किला में नींव रखी गई और पहले प्रधानमंत्री ने तिरंगा झंडा लहराया, उसका जब अपमान होते हुए देखता हूँ तो मैं, मेरे आंसू रुक नहीं पाते। और ज़रूर अपने आप को ये मैं कहता हूँ कि ये जो पगड़ी पे दाग हमारी ही कौम के, जिस कौम में हम हैं, जो मजलूमों की रक्षा के लिए कौम बनी थी, ये पगड़ी गुरु, हमारे गुरु साहिबानों ने कुर्बानी शहादत दे के सजाई थी, हमारी कौम पे, हमारी पगड़ी पे दाग लग गया। पंजाब के अंदर इन खालिस्तानियों ने, जिन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया, 36,000 बेगुनाह लोग उसमें से मारे गए। हमारे हिंदू भाइयों ने फिर हाथ जोड़े कि हमारा 9 मास का रिश्ता है, भूल गए, हिंदुस्तान भूल गया, दुनिया भूल गई वो कत्लेआम, वो हिंदू भाइयों का कत्लेआम, बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, बच्चे यतीम कर दिए, खून की नदियां बहा दी। किसी माँ को ये नहीं पता था मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी घर से निकली वापस आएगी या नहीं आएगी। वो हालातों को, वो खून से लथपथ धरती को देखा, सब भूल गए। वो जो दाग लगा था वो तो मिट गया, पर ये जो तिरंगे झंडे के अपमान का दाग लगा है इस पगड़ी के ऊपर, ये कभी मिटने वाला नहीं है। को क्षमा मांगे या ना मांगे, मैं तो आखिरी समय तक दुनिया में बैठे हुए हर भारतीय के आगे से क्षमा मांगता रहूँगा कि हमारी कौम में से जिन गद्दारों ने, जिन देशद्रोहियों ने इस खून से लथपथ तिरंगे झंडे का अपमान किया है, उसको हम कभी भी, उसकी हमेशा क्षमा मांगते रहेंगे, हमें शायद दुनिया माफ़ नहीं कर पाएगी। बिट्टा जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो किसान आंदोलन था, इसमें शुरू से कहा गया कि कहीं ना कहीं खालिस्तानी एलिमेंट्स इसमें हैं, हर बार ये कहा गया, सरकार की तरफ से भी, इंटेलिजेंस की तरफ से भी कहा गया कि ट्रैक्टर रैली किसान ना करें, उसके बावजूद भी किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। जब सरकार, जब पूरी तरीके से उस चीज़ में विफल हो गई, उनकी बात माननी पड़ी, उसके बाद भी ट्रैक्टर रैली निकाली, तो क्या किसान नेताओं की जिम्मेदारी नहीं? बात मैं आपको स्पष्ट कह दूं, जो मेरी ज़िंदगी का अनुभव पिछले 7 साल में जो देखा है नरेंद्र मोदी जी को, क्या 370 धारा के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने किसी से बातचीत की? क्या सिर झुकाया? क्या सर्जिकल ऑपरेशन के ऊपर 2 बार हुए, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने सवाल किए, क्यों गए, कैसे गए, क्या किसी से बातचीत की, कैसी किसी के आगे सिर झुकाया? क्या 3 तलाक के ऊपर सिर झुकाया? क्या राम जन्मभूमि का 500 साल का वो इतिहास, जो बार बार राम जी का अपमान होता था, कैंसर की बीमारी को उखाड़ करके 370 धारा की, 70 साल की उस कैंसर की बीमारी को उखाड़ करके फेंक दिया, किसी के आगे सिर नहीं झुकाया,
अब भी नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के आगे सिर नहीं झुकाया। नरेंद्र मोदी जी ने अगर सिर झुकाया है तो इस पगड़ी के आके गुरु महाराज की सिख कौम के आगे सिर झुकाया है। आओ हम बातचीत करते हैं, और विज्ञान भवन में 5-5, 6-6 मंत्री तैयार खड़े हैं, बातचीत करते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के नेताओं से गलतियां तो हुई, उन्होंने अगर आंदोलन किया था तो आंदोलन संभाल के रखते, आंदोलन गलत हाथों से क्यों चला गया। पहली बात तो 26 जनवरी 15 अगस्त को ट्रैक्टर रैली नहीं निकलनी चाहिए। 26 जनवरी का वो दिन होता है जहां दुनिया में बैठा हुआ हर हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है, वो इंतज़ार करता है। वो सेकुलरिज्म का सबूत मिलता है, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे कोई और हमारा स्टेट हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, वो झांकियाँ देखते हैं, सेकुलरिज्म का सबूत देखते हैं। हमारी क्या नई नई टेक्नोलॉजी आई है उसको देखते हैं, और हमारे दुश्मन देश भी उसको देखते हैं कि हिंदुस्तान कितनी तरक्की के रास्ते पे चल चुका है। और उस दिन आप उस ध्यान को डिवर्ट करने के लिए ट्रैक्टर रैली निकाल दो। छोटे छोटे बच्चे जो इंतज़ार करते हैं, जब फौज के जवानों को अलग अलग सुंदर उनकी पोशाक में, उनकी वर्दियों में जो मौत का कफन बांधा होता है देखते हैं, उनका भी मन होता है मैं भी बड़ा होके या बड़ी होके मैं एक अच्छी सेंसेस बनूंगी, मैं एक अच्छा वर्दी पहनूंगा, मैं मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करूंगा। तो क्या ये अपमान नहीं है? क्या कल को 15 अगस्त आएगी तो 370 धारा के ऊपर कश्मीर से कई मुसलमान भाई निकल के आ जाएंगे कि 370 धारा को दोबारा वैसे का वैसे किया जाए? क्या ऐसे चलता रहेगा? क्या कल को नया बिल आता है जनसंख्या के ऊपर, क्या उसके ऊपर 26 जनवरी को इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे? ये जो परंपरा है, ये जो नींव रखी गई, ये बिल्कुल गलत रखी गई है। बेटा जी, जिस तरीके से जब 26 जनवरी पे तिरंगे का अपमान हुआ, उसके बाद मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा और बुद्धिजीवियों ने ये कहा कि वहाँ तिरंगे का कोई अपमान नहीं हुआ, वहाँ सिर्फ निशान साहब को लगाया गया जिसमें कोई बुराई नहीं है। इससे पहले भी गुरुओं के, मैं आपकी बात टोकता हूँ, मैं एक सरदार हूँ, पहले तो भारतीय हूँ फिर मैं सरदार हूँ। अगर हम सब पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, निशान साहब की तो बात बाद में करते हैं, हम अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों को, हज़ारों पॉलिटिकल पार्टियां पूरे देश के अंदर, तो हम फिर यही करते हैं कि सारे अपने लाल किला के ऊपर झंडे लहरा देते हैं। फर्ज करो कोई जय श्री राम जी का नारा देके उस वहाँ झंडे के पास लगा देता, तो ये बुद्धिजीवी क्या कहते कि ये भगवा आतंकवाद आ गया, ये भगवा रंग दे दिया, यही बुद्धिजीवी कहते। अगर कोई बुद्धिजीवी है तो इनसे मेरी बात कराइए, ये है कौन बुद्धिजीवी? वो स्व घोषित है, उन्होंने खुद को घोषित कर रखा है कि वो बुद्धिजीवी है। कौन? देखो, जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहे वो राष्ट्रभक्त का ही हो ही नहीं सकता। हमने इतने बम खाए, हमें को कहता राष्ट्रभक्त, मैं कहा भैया हजारों बार मर के जन्म ले ले, इस धरती के अंदर इतनी कुर्बानी शहादत है, हम राष्ट्रभक्त नहीं बन सकते। और जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है वो बुद्धिजीवी हो ही नहीं सकता, वो उल्लू का पट्टा है, मैं तो यही कहूँगा, उसके मुँह पे कहता हूँ। बेटा जी, जैसे इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में टूल किट एक विवाद बहुत उछला, जिसमें एक बताया गया कि कैसे 26 जनवरी की जो प्लानिंग है वो करनी है, और वो सारी साजिशें उसमें लिखी हुई थी कि भारत की जो चाय और योगा वाली छवि है उसको कैसे तहस नहस करना है, उसको बर्बाद करना है। इस पूरे प्रकरण में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सेल ने बेंगलुरु की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट, कहा जाता है उनको दिशा रवि जोसेफ जिनका नाम है, उनको गिरफ्तार किया और दिल्ली लाया गया। इसके बाद एक मीडिया में एक धड़ा है, और एक इन्हीं बुद्धिजीवियों का और कई सारे ऐसे लोगों का, ये लोग सब आग बबूला हो गए और सब बिदक गए, और ये सब कहने लगे कि ये 22 साल की लड़की से मोदी डर गया। इस पर आपका, देखो वो छोटी जो बेटी है वो मोदी जी के हमारे बच्चों जैसी हो सकती है, ठीक है ना? मोदी जी का इन चीज़ों में क्या लेना देना, मैं को बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। जो चाइना के खाट खड़े कर देता है, जो पाकिस्तान में खाट खड़े कर देता है, जो कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के चने चबा देता है, जो सर्जिकल ऑपरेशन, उनके इस चीज़ों में क्या है? यही बुद्धिजीवी का छोटापन है, यही उनकी सोच है। वो बुद्धिजीवी है ही नहीं, वो डफर है, डफर डफर मैं कहूँगा, डफर है जिनको समझ नहीं है। दूसरी बात, मेरी बात समझिए, मैं भी 7 साल की उम्र में ही कांग्रेस सेवा दल का मेंबर बना। 7 साल की उम्र क्या होती है? मेरा अनुभव कहाँ से हुआ? जलियांवाला बाग के अंदर जब मेरे ग्रैंडफादर के साथ, और मेरे ग्रैंडफादर के भाई जिनको जलियांवाला बाग में गोली लगी थी, उनके साथ वॉक करने जाता था,
तो वहाँ कुछ निशान देखे। मैं कहा ये निशान किस चीज़ के? उन्होंने कहा ये उस जनरल डायर की गोलियों के निशान है जिसने आज़ादी मांगने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के ऊपर गोलियाँ चलाई थी। मुझे किताब ला के दी गई, समझा, परखा, फिर वहाँ उस खून की लाल मिट्टी पे अपने ग्रैंडफादर के चाचा जी जिनको गोलियां लगी थी वहाँ पे पकड़ के लेके गया। आज़ादी उन्होंने लेके दे दी, कभी मौका मिला आज़ादी की रक्षा करेंगे, और पहला बम आज़ादी की तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए खाया। ये भी हमारी ट्रेनिंग थी, ये भी हमारे माँ बाप के संस्कार थे, ये भी उस वक्त राष्ट्रवाद के संस्कार थे। इन बच्चों के संस्कार कौन देगा जी? इनके माँ बाप संस्कार देंगे? ये बुद्धिजीवी जो कहते हैं ये संस्कार देंगे? क्या ये संस्कार देंगे कि आप कुछ भी करो, देश को तोड़ने वालों के हक में कहीं भी चले जाओ, ये संस्कार देंगे? ये हम भीड़ इकट्ठी देखते हैं, हम ट्रैक्टर रैली देखते हैं, हम झंडे देखते हैं, हम जोश देखते हैं, भावुक हो जाते हैं। अरे समझने की कोशिश करो आगे होने क्या वाला। मैंने पहले कह दिया था बड़े बड़े चैनलों में, लाल किले में तिरंगे झंडे का अपमान करने ये आ सकते हैं, सारे चैनल मेरे खोल लीजिए। तो ये बुद्धिजीवियों को नहीं पता था क्या? ये किसान आंदोलन को नहीं पता था क्या? किसान आंदोलन के जो लीडर थे खुद कह रहे थे कि हमारे लोग गलत लोग घुस चुके हैं, तो क्यों ट्रैक्टर रैली निकाली? सवाल सबसे बड़ा, देश तोड़ने वाला छोटा हो या बड़ा हो, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कोई भी गलती करे देश तोड़ने की, तिरंगे झंडे का अपमान करने की, ना उम्र, ना उसके ऊपर बड़ा, ना छोटा, ना तर्स, कुछ नहीं होना चाहिए। जो कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। जिस तरीके से आप देखते हैं देश में कई सारे ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो हर वक्त देश के विरोध में ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग उन्हें समर्थन भी करते हैं। आपके जो पुराने साथी हैं उनमें से भी कई लोग ऐसे हैं जो उनका समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को आपका क्या जवाब रहे? पुराने कौन से साथी मुझे बताइए? जैसे शशि थरूर जी हैं, वो कई बार ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं। ये बताइए कि शशि थरूर जी तो हिंदुस्तान के है ही नहीं, जन्म हिंदुस्तान में हुआ होगा और बाहर जाके पढ़ाई लिखाई की, और फिर उन्होंने उनको इधर लेके मंत्री बना दिया। ना तो उनको शहीद आजम भगत सिंह जी का इतिहास पता है, ना जलियांवाला बाग के इतिहास का पता है, ना हमारे धर्म का पता है। ये वही है ना, अपने आप को हम बड़े बुद्धिजीवी हैं, हम अमेरिका से पढ़ के आए, हम कनाडा से पढ़ के आए। भैया अमेरिका की पढ़ाई और कनाडा की पढ़ाई वहीं रखो, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, हिंदुस्तान की संस्कृति के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। और मेरा आपसे सवाल है, मुझे बताइए कि हिंदुस्तान आज किस रास्ते पे खड़ा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। रोज़ हमारे जवान कश्मीर में शहीद होते थे, तिरंगे झंडे का अपमान होता था, हमारे जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे, बताइए आज कश्मीर की हालत क्या है? कैसे फूलों की तरह कश्मीर निकल रहा है? 500 साल का इतिहास राम जन्मभूमि का, जय श्री राम जी ने अपने हाथों से कहा मुझे बिठा वहाँ कर दिया, हम अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? हमारी पॉलिटिकल पार्टियों के मतभेद हो सकते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगा सकते हैं, पर अगर कोई प्रधानमंत्री अच्छा कर्म करता है, आने वाली जनरेशन के लिए एक नया भारत देता है, तो हमें कौन सी तकलीफ है अच्छा कहने में? हमें कहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, बांग्लादेश बनाया था, तो कहा था ये तो आज की दुर्गा है हमारी, तो हम उनको चलो योद्धा भी ना कहें पर उनको बुरा ना कहें। लेकिन बिट्टा जी, आपने कश्मीर की बात की, तो मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर के ही जो नेता हैं वो कहते हैं कि मोदी के जाने के बाद हम चाइना से 370 हटवाएंगे। इनकी ऐसी की तैसी, आतंकवादियों की, खालिस्तानियों की भी ऐसी की तैसी, ये मेरे ज़िंदगी तो इनकी भी ऐसी की तैसी। मैं रोज़ सुबह उठ के प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना जरूर पूरी होती है, हे भगवान मेरे बम्बों गोलियों का बचा हुआ जितना भी मेरी उम्र है, हिस्सा है, उम्र है, वो मेरी उम्र नरेंद्र मोदी जी को दे देना। मेरे अंदर से आवाज़ निकलती है, ऐसे मेरे जैसे लाखों मोदी जी के समर्थक होंगे। अगर भगवान किसी की सुन ले हमारे 10-10 दिन भी मोदी जी को दे दे, तो मोदी जी अभी जाने वाले नहीं हैं, इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो महान योद्धा है, वो एक भेजा हुआ भगवान का फरिश्ता है, मैं तो यही कहूँगा। अब कोई इसको किस तरीके से लेता है मुझे मालूम नहीं। आपकी ऐसी बातों से बिट्टा जी, कई बार लोग कहते हैं कि क्या बिट्टा जी अब बीजेपी में बहुत जल्द दिखेंगे, बीजेपी का? देखो मेरी बात सुनो, सवाल बड़ा, जब बीजेपी में जाना होता तो मैं कब का चले जाता? मुझे तो वेस्ट दिल्ली से पीछे भी टिकट ऑफर हुआ था। ये मेरा कर्म नहीं है, मैं तो, मेरी तो मौत से ही जा रही है।
मैं कोई अनुपम खेर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं बनना चाहता हूँ। देखो एक एक व्यक्ति, मेरी लाइन बचपन में क्या थी, मेरी लाइन बचपन से थी आतंकवाद के खिलाफ, राष्ट्र के लिए, शहीद परिवारों के लिए। जब शहीदों का अपमान होते हुए देखता था, हम दोस्त मिलकर उन शहीद परिवारों की मदद करते थे। आज हर शहीद परिवार के घर में एक एक करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट पहुँचाती है, स्टेट गवर्नमेंट एक एक करोड़ रुपया देती है, उनके बच्चों को रोज़गार देती है, उनके बच्चों की शादियां कराती है, उनको रहने के लिए घर देती है, 370 धारा ख़त्म होती है, जवान जो हैं गोलियां नहीं चलती हैं, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा होती है। तो बताओ मैं कैसे ना तारीफ करूं। मेरा एक सवाल है, मैं बीजेपी के मैं तो हूं ही नहीं, बीजेपी की तारीफ करता ही नहीं, मैं प्रधानमंत्री की तारीफ कैसे ना करूं। मुझे एक चीज़ बताओ, मेरे बचपन से लेके आज तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी और मेरे सपने आज पूरे हुए हैं। मैं क्या लेना बीजेपी में जाके, मैंने क्या लेना कुछ बन के। अगर नरेंद्र मोदी जी के अच्छे कामों की मैं तारीफ करता हूँ तो लोग कहें बीजेपी में जा, मैंने क्या लेना, मेरी तो मौत से ही आ रही है, आज नहीं तो कल मैंने जाना है। मेरा तो शरीर का, जीवन का हिस्सा, बम्बों से बचा हुआ छाननी शरीर बिल्कुल बोनस का है। जिस आदमी की दोस्ती मौत से हो जाए उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। कल को मैं कुछ चले जाऊं, वो कहेगा ये बोलता इसलिए था। कभी देश के लोगों का मैं विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा, मैं कसम इत मातृभूमि का खा के कहता हूं विश्वास नहीं तोड़ूंगा। ये मेरी दिल की आवाज़ है, मेरे लिए जीते जी अमर है नरेंद्र मोदी। राम जन्मभूमि का इतिहास को छोटा सा नहीं है, करतारपुर साहब पंजाब के अंदर एक तरफ गोलियां चल रही थी, एक तरफ सर्जिकल ऑपरेशन हो रहे थे, एक तरफ करतारपुर साहब हमारे सिख भाइयों के लिए गुरु नानक देव जी महाराज के दिन के ऊपर खोल दिया। पता था कि जंग की तैयारी है, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा, ये गुरु नानक देव जी हमारे सबके थे, इतिहास बनाए, हम कैसे उनको छोड़ दें। हम इमरान खान की तो तारीफ कर देते हैं किसान आंदोलन के सामने कि इमरान खान मेरा यार है। एक सरदार साहब ने बोला था, आप में चला होगा, मैं उसको कई बार कहता हूँ कई चैनलों पे, इमरान खान तेरा यार है, जो हमारे जवानों को शहीद करता है, जो कत्लेआम करता है, जो हमारे गुरुद्वारों साहब का अपमान करता है। मेरा यार नरेंद्र मोदी तो नहीं, मेरा लीडर नरेंद्र मोदी तो नहीं, मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं, मेरा योद्धा नरेंद्र मोदी जिसने 370 धारा हटा करके, जिसने हजारों लाखों जवानों की शहादतों का बदला ले लिया, मेरा योद्धा नरेंद्र मोदी है, मैं उसके आगे सिर झुकाता हूँ। ये मेरा और उस सरदार साहब में फ़र्क है जो कहते इमरान खान मेरा यार है, मेरा योद्धा नरेंद्र मोदी। अगर मैं, मुझे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में ये भी कहने के लिए पाबंदी है, को कहे बीजेपी में जाना, जो जिसने कहना कहे डट्ठे खूह में जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो अपने मुल्क के प्रति इंसान को वफादार रहना चाहिए। अभी भी पाकिस्तान से कईयों को कॉन्टैक्ट करते हैं लोग कि हमें इंटरव्यू दे दो, और कई फ़ौज के ऐसे रिटायर्ड जर्नलों ने इंटरव्यू भी दिया पाकिस्तान के रिपोर्टरों को। सवाल है हमारा क्या उससे तलक, हमारे लिए प्रथम राष्ट्र, हमारे लिए हिंदुस्तान, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी हम तो उस पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे, हम अपनी पॉलिसी नहीं बनाते हैं। जैसे आपने कहा ये बेंगलोर की एक लड़की ने ऐसा बोल दिया, बिल्कुल नहीं, जो भारत माता की जो एक पॉलिसी है, जो गाइडलाइन है, उसे इधर उधर हमने नहीं जाना है। हाँ कोई चीज़ गलत हो रही है, आप उसका विरोध कर सकते हैं, पर भावुक होकर के एकदम किसी चीज़ को ऐसे कर देना जिस तरीके से देश को ठेस पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा आपसे सवाल है, तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सामने आई तिरंगे झंडे के ऊपर, बताइए? क्या टकैत आया, क्या किसान आंदोलन के लीडर आए, क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस, आम, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि ये अपमान हुआ है? किसी ने नहीं कहा। अभी भी मद्दों में चले हुए तिरंगे झंडे को इन्होंने अकेला छोड़ दिया। कोई सामने तो नहीं आया, लेकिन सबने बीजेपी की साजिश जरूर बता दी इसको। देखो ये आप उनसे पूछ सकते हैं, बीजेपी की साजिश कैसे हो सकती है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप मुझे जवाब दे दें। आपने कहा साजिश कैसे हो सकती है, ये तो उन्होंने कहा है, ये हम तो पॉलिटिशियन, हम तो कुछ भी बोल देते हैं, हमारा काम ही झूठ बोलना है, हम कुछ भी झूठ बोल देते हैं। बड़े बड़े चैनलों में सुन रहा था मैं, किसी ने कहा ये तो अभी ट्रायल है, अभी आगे देखो, शिवसेना के लीडरों ने ये भी बोल दिया था। वही बात हुई ना, तिरंगे झंडे को हमने अकेला छोड़ दिया और अपनी अपनी हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बेटा जी आखिरी में मैं आपसे बस यही पूछूंगा कि आपका उन लोगों को जवाब क्या है जो हर वक्त सोते जागते उठते बैठते देश को तोड़ने की और देश में अशांति फैलती रहे ऐसा करने की कोशिश करते हैं या सपने देखते हैं, उन लोगों को आपका एक डायरेक्ट, मैं चाहता हूं कि आपका एक डायरेक्ट संदेश जाए। मैं उनको यही कहूँगा, दुश्मनों का सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं, है ना?
चाइना, पाकिस्तान और हमारे दूसरे मुल्क जो देश में भी हैं। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो जो लोग हैं ऐसे दूसरे मुल्क, वो तो अपने से थर थर कांपते हैं। इन लोगों को कोई धंधा काम है नहीं, ठीक है ना। मोदी के काम इनको अच्छे लगते नहीं हैं, वो अपने काम में मस्त हैं। ये काम 370 धारा, राम जन्मभूमि, आगे जनसंख्या बिल आएगा, यही इनका जवाब देते रहेंगे। कामों से इनका जवाब दिया जाएगा। ये देश विरोधी ताकतों का, ये ज़रूरत से ज़्यादा जो बुद्धिजीवी बनते हैं इनका, वो जवाब दिया जाएगा इनको। इनको अच्छा, इन्होंने बताइए मुझे कभी राम जन्मभूमि के ऊपर इन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा कर्म किया है, 370 धारा पे बोला ये अच्छा काम किया है, सर्जिकल ऑपरेशन हुआ तो ये भी कहते एक ड्रामा था। इनको हर चीज़ ड्रामा लगती है। मैं तो कहता हूँ इनको बक्से पकड़ा करके सीमाओं में जवानों के साथ इनको 10-10 दिन लगाने चाहिए कि बैठो देखो जवान कैसे कड़क सर्दी के अंदर इन सीमाओं की रक्षा करते हैं। लाइए इनको मेरे सामने, बहस करें, इनको बताएं कि शरीर के ऊपर कितने मैंने बम गोलियां खाए हैं, मैं कैसे चलता हूँ, कैसे रात को सोता हूँ, कैसे उठता हूँ, सुबह रात सुबह शाम वंदे मातरम बोलता हूँ, स्वार्थ मेरा कोई नहीं, मतलब मेरा कोई नहीं, राज्यसभा मैंने नहीं लेनी, अवार्ड मैंने नहीं लेना। आओ मेरे से बहस करें, आए बहस करें मेरे से। सवाल सबसे बड़ा कि ये जो लोग हैं ये अब कमज़ोर हो चुके हैं, इनके दिन गिनती के हैं। पिछली सरकारों ने इनको बड़ा चढ़ाया था, ये जाके मुशर्रफ की इंटरव्यू लिया करते थे, याद होगा आपको, हैं। एक महिला पत्रकार थी, उसने कारगिल के युद्ध के अंदर हमारे कितने जवान शहीद करा दिए, अब कहाँ गायब हुई बैठी है, पता सारे रिकॉर्ड निकल आएंगे इनके, सारे रिकॉर्ड हैं सरकारों के पास इनके, जब चाहें इनके रिकॉर्ड निकल आएंगे। हाई प्रोफाइल, हाय होए, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, वो जमाने चले गए, अब वंदे मातरम के ज़माने आ गए, भारत माता की जय के फिर वो पुराने ज़माने आ गए। इनके ज़माने गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, हाय होए, वो सब ख़त्म हो गया, वो ज़माना बदल गया, उसकी इनको तकलीफ है बस। बिट्टा जी, जैसे पहले क्या होता था पिछली सरकारों में कि जो मीडिया में बैठे हुए लोग होते थे वो तय करते थे देश की दशा और दिशा क्या होगा, आज कहीं ना कहीं जनता के हाथों में है और सरकार के जो लोग हैं उनके हाथों में, तो कहीं ना कहीं ये जो मीडिया में बैठे हुए लोग हैं इनकी बौखलाहट इसी से है। देखो, पहले प्राइम मिनिस्टर के सुरक्षा सलाहकार होते थे नारायणन जैसे लोग, और भी पहले रहे, ये टेलीफोन टेपिंग करते थे सब, कोई पॉलिसी नहीं बनाते थे। आज पूरे हिंदुस्तान में हर काबिल व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है। आपने देखा होगा हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, वो ब्यूरोक्रेट थे, ये नहीं देखा ये पॉलिटिशियन। उन्होंने कहा प्रथम राष्ट्र, अगर अच्छा काम किया था फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में उसको मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दे दी। अजीत डवाल क्या करते हैं, अजीत डवाल जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर 6 साल या 7 साल या 5 साल फलों की रेड़ी लगाते रहे, कोई और सामान बेचते रहे अपने राष्ट्र के लिए, वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते रहे, वो चाहते तो वहाँ शहीद हो सकते थे, वो मतलब बच के आ गए, उनकी किस्मत, उसको दिया हिंदुस्तान के सुरक्षा सलाहकार। आपका काम वो है, हमारी 3 सेनाओं के प्रमुख रावत जी को जिम्मेदारी दे दी, आप अपना काम संभालो। तो हर उस काबिल व्यक्ति को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी दे दी कि मैं अपना काम करता हूँ, आप अपना अपना काम करें। तो उसका सबसे बड़ा क्या हुआ कि ये जो सलाहकार थे पहले सरकारों के, जो राय देते थे पत्रकार बुद्धिजीवी, है ना, अब उनकी दुकानदारियां बंद होगी, दुकानदारियां बंद होगी तो उनको तकलीफ है। वो सोशल मीडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ उसके सरकारों के खिलाफ बोलते रहते हैं, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी के खिलाफ बोलते रहते हैं। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात खराब ही रहें, उनकी दुकानदारियाँ चलती रहें। अब वो जमाने वक्त ख़त्म हो गए, कहाँ मुशर्रफ की इंटरव्यू लिया करते थे, कहाँ गोलियाँ चलती थी, कहाँ जवानों के सिर कटते थे, कहाँ रात को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से खुली बातचीत होती थी, वो वक्त गए। एक गोली चलाओगे 100 चलाएंगे, अंदर की कोई बात नहीं, इनको समेट लिया जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देश में ये भी कहा जाता है कि फासीवाद आ गया है, फासिज्म है देश में, नरेंद्र मोदी जो हैं वो हिटलर शाही चला रहे हैं, यही मीडिया में बैठे हुए लोग कहते हैं। अगर कोई सवाल पूछे नरेंद्र मोदी जी से, पहले जिस कांग्रेस पार्टी में मैं रहा हूँ, अभी मैं उनसे दूर नहीं हूँ, मैं तो नीले रंग की खून से मेंबर नहीं बना, लाल रंग से खून से मेंबर बना हूँ, फिर कहूँ इन्होंने कुर्सी सत्ता से दोस्ती कर ली, मैंने मौत से दोस्ती कर ली, मैं अकेला हूँ ये सारे हैं, मैं उस वक्त कहता था तानाशाही है, मैं उस वक्त कहता था कि पॉलिटिकल टेररिज्म है, मैं उस वक्त कहता था कि राजनीति गुलामी है। आज इस हिंदुस्तान के अंदर जहां वंदे मातरम और भारत माता की जय खुल के बोलने की आज़ादी हो जाए, वही भारत आज़ाद है।
पहले आजाद नहीं था। मेरे जैसे व्यक्ति को वंदे मातरम बोलने पे भी वीर सवालों के जवाब देने पड़ते थे। आज वंदे मातरम और भारत माता की जय और शहीदों के लिए जितना मैंने काम किया है, मुझे आनंद आ रहा है, मुझे कभी नहीं आया। और मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, मेरा संबंध नहीं। आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, पता कराइए, क्या कभी किसी नेता को मिलने में जाता हूँ? ना मेरे पास टाइम है, ना मिलने जाता हूँ, ना मैंने किसी से लेना, ना मेरा देना है। मेरा तो है प्रथम राष्ट्र के लिए बचा हुआ शरीर का हिस्सा उसके चरणों में देना है, और जो नरेंद्र मोदी इस राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, मैं उसके लिए समर्थन पे उस योद्धे के साथ खड़ा हूँ। ये मेरा मतलब। और कभी भी अगर आपको पता चले कि मेरा कोई इसमें स्वार्थ मतलब है, अलानिया तौर पर आना, मैं खुल के आपको जवाब दूंगा और कहना कि ये मैंने आपके लिए सुना, जवाब दूंगा। ये होना चाहिए, मतलब के बगैर राष्ट्र के साथ चलो। इसलिए जो कहते तानाशाही, तानाशाही उसके लिए देशद्रोहियों के लिए, तानाशाही उसके लिए जो देश को तोड़ना चाहते हैं, तानाशाही उसके लिए है जो आतंकवादी बेगुनाहों का कत्लेआम करते हैं, तानाशाही उसके लिए है जो बम ब्लास्ट करने की साजिश करते हैं, देश के अंदर बर्बादी करने की साजिश करते हैं, उनके लिए तानाशाही है, रहनी चाहिए और देश को तोड़ने वाले के खिलाफ हमेशा चलनी चाहिए। इसके मैं समर्थक पे हूँ। बेटा साहब, आखिरी सवाल लेंगे हम आपसे, वो होगा गुजरात से। अभी अभी एक मोटेरा स्टेडियम जो आपने नाम सुना होगा, उसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी के जी के नाम से रख दिया गया। उस स्पोर्ट्स इंक्लेव का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर जो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, उसका नाम उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम से कर दिया। इसके बाद जो विपक्ष था और जितनी भी पार्टियां थी, जितने भी तमाम मीडिया के लोग थे, वो सब ये कह रहे हैं कि अब ये खुद को ही एक तरीके से खुद को ही वो प्रमोट करने में लगे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री। देखो, वो दूसरी पार्टियां कुछ भी कहती रहेंगी, रख दिया तो फिर क्या हुआ? सरदार पटेल जी का हर सपना नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। 370 धारा का जो था वो सरदार पटेल जी का अधूरा सपना था। अब पीओके का सपना भी पूरा होने वाला है, जल्दी लेंगे पीओके। काम तो सरकार का है, पर मेरा अनुभव है साल डेढ़ दो साल के अंदर पीओ को भी अपने पास होगा। ये छोटी चीज़ें हैं जो देखो, ऑपोजिशन पार्टियों का काम खाली बैठे हैं, दुकानदारियां ख़त्म हो चुकी, पार्टियां ख़त्म हो चुकी है, नए युग की शुरुआत हो चुकी है। पहले थी राजनीति, राजनीति, अब है राष्ट्रनीति। जो राष्ट्रनीति दिल से करेगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, लोग उसका साथ देंगे। तो उनका काम है बोलना, बोलते रहें। जब तिरंगे झंडे के ऊपर, अपमान के ऊपर नहीं वो उन्होंने साथ दिया, तो वो कुछ भी बोलती रहेंगे। आपने देखा, हमारे साथ मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी थे, जिन्हें जिंदा शहीद की उपाधि मिली है। बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए और हमारे लिए, शिवालिक जर्नल के लिए, कि आज हम उस हस्ती से मिले हैं, उस महान योद्धा से मिले हैं देश के, और उन्होंने अपनी बात खुल करके, दिल खोल करके रखी है। कोई लाल लपेट के साथ नहीं, कोई इशारे में नहीं, उन्होंने खुल करके देश को संदेश भी दिया है। और उन तमाम जो एंटी नेशनल और देशद्रोही गतिविधियों में लोग शामिल होते हैं, उनको भी उन्होंने साफ और खुली चुनौती भी दी है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें देश में कोई जगह, कोई पनाह कहीं पर भी नहीं मिलेगी और वो बच नहीं पाएंगे। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बिट्टा जी का, आपने हमें इसके लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।